खुद की बनाई रॉकिंग चेयर पर बैठे असलम अपने बिजनेस के रॉकस्टार हैं। असम के खत्म हो रहे ट्रेडिशनल क्राफ्ट को इन्होंने एक नई पहचान दी है। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए, यकीन मानिए आप फायदे में रहेंगे। इसमें शामिल है मॉडर्न सोच और एक लंबा सा इतिहास यानी हिस्ट्री। असम में बने बेत के फर्नीचर सालों से भारतीय घरों का हिस्सा रहे। इसका वजन इतना हल्का होता है कि इसे जरूरत के अनुसार जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में शाम के वक्त बगीचे में बेत की कुर्सियों पर बैठकर समय बिताना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बदलते समय के साथ इन कुर्सियों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियों ने ले ली। लेकिन समय का पहिया एक बार फिर घूम गया है। आज ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है और एक बार फिर से बेत के फर्नीचर इंटरनेट पर सजने लगे हैं। इस नए ट्रेंड और नई मांग को असलम खान ने पहचान लिया और बेत के फर्नीचर से जुड़े अपने बिजनेस को रफ्तार दे दी। आज असलम गुवाहाटी में बैठे इंटरनेट के जरिए बेत के फर्नीचर के ऑर्डर लेते हैं और देश के बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं। पेश है गुवाहाटी से मंजर आलम की ये खास रिपोर्ट। बांस और बेत के खूबसूरत फर्नीचर के शौकीन है तो ये फर्नीचर आपको घर बैठे मिल सकते हैं। इसके लिए आप असलम खान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग के ट्रेंड को अपने बिजनेस का अहम हिस्सा बनाया है। गुवाहाटी के मशहूर आरजी बरुआ रोड पर असलम की फर्नीचर की दुकान है। हर सुबह दुकान खोलने के साथ ही असलम सभी फर्नीचर की सफाई करते हैं। आज से एक दशक पहले तक बेत के ट्रेडिशनल फर्नीचर काफी देखे जाते थे, फिर प्लास्टिक के फर्नीचर और डिजाइनर सोफास ने बेत के फर्नीचर को रिप्लेस कर दिया। लेकिन एक बार फिर पुराने दौर की चीजों का क्रेज लोगों के बीच बढ़ रहा है। इसका सबूत है असलम को देश भर से मिलने वाले ऑनलाइन ऑर्डर्स। इसकी वजह ये भी है कि बेत के फर्नीचर के डिजाइन असलम खुद ही तैयार करते हैं और उनकी तस्वीरें एक एल्बम में सजा कर रखते हैं। और अगर आप अपनी पसंद का डिजाइन असलम को दिखा दें तो उन्हें हूबहू उस डिजाइन का फर्नीचर बनाने में भी महारत हासिल है। हम लोग का इस टाइप का कैटलॉग होता है, कोई भी चेयर हो, इस टाइप का चेयर हो, अगर कोई कस्टमर आके ये पसंद करता है वो हिसाब से हम लोग सेम टू सेम बना के देते हैं। साइज वगैरह कस्टमर भी देते हैं, हम लोग का भी खुद का साइज दिया हुआ है, इस टाइप का बन जाता है। सबसे ज्यादा मतलब सोफा सेट ये जो आप देखे हैं 5 सीटर 3+2 और 1 सेंटर टेबल कैन का होता है, वो ज्यादा डिमांडेड होता है, उसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत है। बेत के फर्नीचर का ये बिजनेस असलम के पिता इमरान खान ने 1980 के दशक में शुरू किया था। साल 2017 में पिता की मौत के बाद असलम ही इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। असलम के वर्कशॉप में बनने वाले सोफे 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के हैं। जैसा डिजाइन, जितना बारीक और खूबसूरत काम उतना ही दाम। बड़े बड़े बंगले और रिजॉर्ट में असलम के फर्नीचर की सप्लाई होती है। असलम कहते हैं कि बेत के फर्नीचर 15 से 20 साल तक खराब नहीं होते और उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। असलम ने इंटरनेट पर एके केन एंड बैम्बू इंडस्ट्री नाम का पेज बनाया और फिर उनके पास दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से ऑर्डर आने लगे। असलम आज हर महीने करीब 2.5 लाख रुपए के फर्नीचर का ऑर्डर ऑनलाइन के जरिए हासिल कर लेते हैं। नहीं, अभी देखिए, अभी ये प्लास्टिक का आइटम ये सब ज्यादा चल रहा है, लेकिन जो जानने वाला ही है बेत जो है, बेत बैम्बू ये सब हो गया नेचुरल चीज, इसका मार्केट तो अभी भी है, लेकिन सब लोग को ये मालूम नहीं जो ये प्रोडक्ट क्या है। ड्यूरेबिलिटी आपको बहुत मिलेगा, 15-20 साल तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमारा यहाँ पे लोकल में थोड़ा मार्केट कम है, लेकिन बाहर में तो पूरा चल रहा है, मतलब दिल्ली, मुंबई हो, कलकत्ता हो, सारा मतलब ऑल ओवर इंडिया में सब जगह में चल रहा है। देखिए, अभी जो हो गया गूगल में माय बिजनेस पेज हमारा एक्टिव है, वहाँ पे ही फोटो वगैरह कुछ दिया हुआ है, उधर से ही मेरा सारा कॉन्टेक्ट है, तो बाहर का कस्टमर लोग उधर से ही फोन करके ऑर्डर करता है, ऑर्डर में हम लोग सामान बना के डिलीवरी कर देते हैं, और लोकल में भी कभी कभी थोड़ा बहुत होता है तो इधर में ऑर्डर देने से हम लोग बना के दे देते हैं, और जो रेडीमेड है तो वो तो चलता ही रहता है। समय बदला, सोफों के नए नए डिजाइन आ गए, लेकिन इन सोफों को बनाने का तरीका आज भी नहीं बदला है। असलम के वर्कशॉप में कई दशक पहले जिस तरह कारीगर कुर्सी और मेज बनाया करते थे,
आज भी उन्हीं तरीकों से नए नए डिजाइन के सोफे बनाते हैं। असलम के पास आधा दर्जन से अधिक कारीगर हैं, जो ऑर्डर पर फर्नीचर बनाते हैं। कुछ सोफे बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो कुछ छोटे छोटे सजावट के सामान बनाने में माहिर हैं। सोफे या कुर्सी बनाने के लिए कारीगर पहले बांस के टुकड़ों को गर्म करके इसे जरूरत के मुताबिक मोड़ देते हैं, फिर कीलों की मदद से अनेक आकार के इन टुकड़ों को जोड़कर फर्नीचर का एक कच्चा ढांचा तैयार करते हैं। इस प्रोसेस के बाद बारीक पट्टियों से डिजाइन की जाती है। कारीगर दिन रात मेहनत करके 15 से 20 दिन में एक सोफा सेट तैयार कर पाते हैं। केन फर्नीचर पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है। ये फर्नीचर लकड़ी के फर्नीचर की तुलना में सस्ता ही होता है। केन के फर्नीचर पर पॉलिशिंग करके इसे चमकदार और आकर्षक बनाया जाता है, जो लकड़ी के फर्नीचर के मुकाबले कम खूबसूरत नहीं होता। असलम और उनके कारीगरों का एक ही प्रिंसिपल है कि ग्राहक भले ही इंटरनेट से सोफों का डिजाइन लेकर आया हो, उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। ग्राहक की पसंद के डिजाइन का सोफा बनाना उनकी जिम्मेदारी है, जिसे हर हाल में वह पूरा करते हैं। कस्टमर जो है, जो भी कस्टमर है, जो भी डिजाइन का बात करते हैं, हम सब बनाते हैं। जो भी डिमांड आता है, हम लोग सब बना के देते हैं। ऐसा नहीं कि ये डिजाइन नहीं होगा, कैन का जो भी डिजाइन हो हमारे पास आता है, हम सब बना के देते हैं। पूरा सोफा सेट बनाने से 15 दिन लगे, 15 दिन 18 दिन पीछे लगे। आपको बता दें कि पूरे असम में करीब 371.34 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ बेत और बांस का काम करने वाली 480 यूनिट्स हैं, जिनमें करीब 2,500 कारीगर काम करते हैं। आप देश के किसी भी शहर में रहते हैं और अगर आपको इस वीडियो में दिखाए गए असलम खान के वर्कशॉप में बनने वाले फर्नीचर पसंद आए हों, तो आप असलम खान के वेब पेज पर विजिट कर अपनी पसंद के बेत के फर्नीचर मंगवा सकते हैं। असलम खान के वेब पेज की डिटेल्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और साथ ही आप वीडियो में दिए एंड प्लेट पर भी इसे देख सकते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।